मैं कह भी नहीं सकता मैं कितना एक्साइटेड हूँ. मैं इस मूवी का कब से वेट कर रहा हूँ. वी शॉट लास्ट ईयर इन केप टाउन, तब से मुझे वेट है कि ये मूवी कैसी आएगी. आफ्टर सीइंग द प्रोमो हद हो गई है. आफ्टर सीइंग द प्रोमो मुझे लगता है कि कब देख लूँ. आज एक्चुअली ट्रायल था मूवी का, बट आज नहीं हो रहा है, कल हो रहा है मूवी का ट्रायल. मैं एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए, और बड़ी एक्साइटमेंट है. अगर मैं एक बार कल भी देख लेता हूँ तो मैं परसों वापस देखूंगा उसको एक और बार, इतना एक्साइटेड हूँ मैं. इस फिल्म के लायक किरदार के बारे में बात करें तो आपका किस तरह का किरदार है, क्या है, कुछ बताइए. देखिए ये मूवी यूथ पे है, और मूवी का थीम है यू प्लस मी इज इक्वल टू यारियां. यारियां एक दोस्तों की मूवी है, एक यारों की मूवी है. मुझे लगता है ये फिल्म हैप्पी फिल्म है, बड़ी रौनको दौनको वाली, एक लोगों को पसंद आने वाली फिल्म है. इस दौरान हर एक पिक्चर में एक बुरा इंसान होता है, यानी हर एक जगह एक बुरा इंसान होता है. तो इस पिक्चर में एक बुरा इंसान मैं हूँ, जो हमेशा किसी को मारता या डिस्टर्ब करता, या लोगों को कोशिश करूँगा कि शायद तक उनको ना होने दूँ ये चीज़ें. तो इस मूवी में मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ, जैसे कॉम्पिटिटर होते हैं मैं एक उनमें से हूँ, और दो टीम है उसमें से एक का कैप्टन हूँ. और बस उसी दौरान मैं गलत हरकतें करता हूँ और गलत चीज़ें करता हूँ और लोगों को मार डालता हूँ, जो मुझे असली लाइफ में नहीं पसंद है. बट यस आई लव डूइंग दैट इन नेगेटिव रोल्स. तो यस इस मूवी का खलनायक हूँ मैं. जिस तरह का आपका लाइक एक लुक है उसके हिसाब से तो आपको एक एक हीरो का या फिर एक पॉजिटिव रोल आपको मिलना चाहिए था, तो आपने नेगेटिव रोल ही क्यों चूज किया? जिस तरह से मेरा लुक है मैं बहुत ही डूड यू नो रगेड किस्म का बंदा, जो ऐसे करके लड़की को देख ले लड़की भाग जाए घर से, ओह शिट ये कौन. आई वुड लव टू डू रोमांटिक रोल, बट नेगेटिव मेरा फोर्टे. नेगेटिव वो है जो मुझे करने को बहुत इजी है और जो मुझे पसंद है. बिकॉज नेगेटिव आप 15 तरीके का नेगेटिव कर सकते हो. पॉजिटिव आप एक पॉजिटिव वही स्माइल करेगा जो हमेशा करता है ऐसे, जैसे पॉजिटिव स्माइल करता है. नेगेटिव ऐसे देख के ऐसे स्माइल कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे देख सकता है. बहुत सी चीज़ें नेगेटिव में करने को. तो नेगेटिव कहेंगे कि मैं एक स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे नेगेटिव पढ़ना सिखा देते, तो इसलिए मैं नेगेटिव करना चाहूँगा. लाइक अगर हम बात करें आपकी, लाइक आपने आपको टेलीफिल्म का अवार्ड भी मिल चुका है, आपने झांसी की रानी में एक साथ एक ही लाइक सीरियल में आपने 7 तरह के किरदार इतने निभाए हैं, तो उसके बारे में मुझे बताइए किस तरह का वो अप्रोच था आपने फिल्म की जर्नी का. ये चीज़ें हैं कि मैं ऐसा दिखता हूँ. ऐसे दिखने का मतलब है मैं थोड़ा अंग्रेज दिखता हूँ. अंग्रेज दिखते दिखते एक प्रॉब्लम होती है कि आप इंडियन नहीं दिखते हैं, मगर उससे बड़ी फायदा होता है कि आप अंग्रेज दिख के भी हिंदी बोलते हैं. जब झांसी की रानी कास्ट हो रहा था तो उनको बहुत से विलन चाहिए थे जो हिंदी बोलें, इंग्लिश वाली हिंदी, जो जैसे हम थम लोगों को मार देगा. तो इस दौरान मैंने ये चीज़ें करके मैं आगे गया, और मेरे को एक रोल मिला जिसमें 2 गोल्डन टीथ लगाए, मुस्टैच लगाई, साइड लॉक लगाया, और गंदा सा एक टाके का निशान दिया, और गंदी सी शक्ल बना दी, और एक कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया. अब कॉस्ट्यूम पहना के खड़ा कर दिया, मैंने कहा इस रोल का करूँ क्या. अब इस रोल की आवाज़ मेरे को देनी थी, जो मैंने ऐसे दी कुछ कि नवजा से तुम लोगों को मारने के लिए बहुत लोग आए होंगे, मगर मैं ही मारूंगा उनको, बिकॉज मार्शल मेक्स हिज ओन डिसीजन. तो मार्शल यहाँ से बड़ा फेमस हुआ. मुझे लगा अरे अच्छी चीज़ है यार, यू नो मैं ऐसा दिखता हूँ क्यों नहीं और ट्राई मारूं. मैंने यही चीज़ें करता गया, हिंदी बोलता गया मगर अंग्रेज दिखता रहा, एड्स में किया, हर जगह किया, और धीरे 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 चीज़ें होती रही. मैंने झांसी की रानी में मरता गया और वापस आता गया, मरता गया और वापस आता गया, कभी त्रिशूल, कभी तलवार, कभी गोली, कभी छर्रा, कभी यू नो अलग अलग तरीके से मारा है, मेरे खोपड़े में मारा है, मेरा गला काटा है, मेरी हर जगह से हालत खराब कर दी. इतने मेरे पास पिक्चर से मरने के कि मैं मौत को दिखा दूंगा, मौत वापस चली जाएगी, अरे तो 8 बार पहले ही मर चुका है. तो उसके बाद मुझे मैंने एक मूवी की जॉन के साथ झांसी की रानी के बाद, वो रिलीज नहीं हुई, तो उसमें मैं कॉमेडी प्ले कर रहा था. उसके बाद ये यारियां आई, तो मुझे ऑफिस में बुलाया, फेसबुक पे मैसेज आया कि सर आपका देख लो आना चाहते हो. मैंने कहा सर यही तो मैं करता हूँ यार, मैं तो यही करता हूँ. तो मैं गया वहां पर ऑफिस में, मुझे बोला ठीक है आप कोई डायलॉग कर दो. मैंने बोला सर डायलॉग अपना कर दो. बोले हाँ कर दो. मैं ठीक है लगान का करता हूँ. बोले हाँ ठीक है. तो मैं लगान का डायलॉग बोला. मैंने बोला ओके सर. तो उन्होंने बोला एक्शन. मैंने बोला भुवन हम तुमको एक शर्त पड़ा था, अगर तुम हमको इस खेल में हरा देगा हम तुम्हारा 2 साल का लगान माफ कर देगा.
ना हम शर्त खाओ और बढ़ाता है, अगर तुम हम खाओ इस खेल में हरा दे हम तुम्हारा 3 साल का लगान माफ कर देगा। ना इतना ही दिया मैंने, और वो वीडियो ले जाके ऊपर गए और नीचे दौड़ के आए और फर्स्ट फ्लोर पे आके बोला सर बैठो यहाँ पे थोड़ी देर। मुझे 1 घंटे बाद वो मैडम के पास ले गए, मैं ऊपर गया दिव्या जी बैठी हुई थी, मेरी सिटी पिटी गुम हो गई यार। मैं यू नो सीरियल में काम किया, मैं जॉन के साथ मिला, बट मैं देखा मैं कहाँ आ गया, और वो भी अंग्रेज का रोल करते हुए। तो मैं मैडम से मिला, मैडम ने मुझे बोला कि ठीक है सी विकास आई हैव अ रोल फॉर माइक, नेगेटिव बंदा है मूवी का इकलौता बंदा है तो वो बुरी चीजें करता है, ऐसे ऐसे करता है, आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर इट। मैं ठीक है मैम करते हैं। तो फर्स्ट शॉट हुआ, फर्स्ट शॉट में मुझे किसी को मारना था, सारे एक्शन डायरेक्टर जो भी इंडस्ट्री के वो सब जानते हैं मुझे, क्योंकि मुझे इतनी बार मार दिया है उन्होंने, मुझे तरीके तरीके से मारा है, कभी ऊपर से गिराया, कभी नीचे से गिराया, कभी गोली मारी, कभी इधर मारा, कभी छर्रा मार दिया, कभी त्रिशूल मार दिया, तो वो सब जानते थे। तो वहां मैं गया, वो एक्शन डायरेक्टर ने मैडम को बोला अरे इसको तो जानते हैं हम, इसको तो कितनी बार मारा है। मैडम ने बोला अरे यार ठीक है ये तो तुम जानते हो तो बात करते रहो। तो मैं उनसे जाके ऐसे करके बात किया, और मेरा फर्स्ट सीन था, एक बंदे को मैंने मारा और बड़ा ही अच्छे से हो गया वो मारने का सीन, तो खुश हो गए। फिर हम केप टाउन गए, फिर वही चलता रहा, यू नो मेरे लुक में एक नेगेटिवनेस थी जिसकी वजह से मैं जब मैं नेगेटिव प्ले करता तब मैं पूरे सेट पे ऐसे खूंखार सा घूमता रहता हूँ, ऐसे ऐसे कोई 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 बोलता हेलो सर तो वो डर जाता है क्या हो गया सर, मैं नहीं नहीं यार अरे कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ पानी है क्या पानी नॉर्मल हंस के बोलना पड़ता है इस रिएक्शन से, यू नो नेगेटिव करने का यही मजा है। तो ये हुआ था वहां पे। नेगेटिव रोल की अगर हम बात करें तो एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि नेगेटिव रोल ये बंदा लेके ये जो जो भी किरदार है निभा रहा है वो नेगेटिव रोल के लिए एक जाना माना जाता है, तो उसका कुछ आपको लाइक फील नहीं होता कि मैं नेगेटिव रोल ही क्यों, मैं तो और चीजों के लिए भी कॉमेडी भी कर सकता हूँ या फिर एक हीरो का किरदार भी निभा सकता हूँ। मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ बट ये शक्ल ऐसी दे दी ना, ये एलेहांद्रो वाली शक्ल है मेरे पास, एलेहांद्रो बोर्जेस मेरा नाम विकास वर्मा है, मैं एलेहांद्रो बोर्जेस जैसा लगता हूँ। अगर मुझे विकास वर्मा बना के एक कॉमेडियन बना के कहीं पे रोल मिले, जैसे मैं जो फिल्म सिटी कर रहा था, देवेन खोटे की मूवी थी यूटीवी की, फिल्म सिटी जॉन के साथ थी, उसमें मैं स्टंट मैन प्ले कर रहा था, परमीत जो फेंकता बहुत है, जो फेंकता है पंजाबी बंदा है, वो बोलता अरे यार सुनना उदय चोपड़ा यार मेरी वजह से लिया उसको, वो की काम करता मैं नहीं करता यार। अब उसको चांस मिल जाता काम करने का मूवी में, अब वो कैमरे के सामने फट्टू है, जैसे कैमरा देखती है उसकी हालत, तो ऐसा कैरेक्टर करने को मिले तो बिल्कुल मजा आए। बट ये एलेहांद्रो बोर्जेस जो लगता है, ये एलेहांद्रो बोर्जेस बड़ा नुकसान कर देता है कभी कभी। तो इसमें क्या होता है कि आप हाई क्लास नेगेटिव प्ले कर सकते हो, लाइक मैं आई विश मैं हॉलीवुड में ट्राई करना चाहूंगा, यू नो बड़ा इजी है मेरे लिए क्योंकि मेरा लुक घुसता है, बट एक अमेरिकन एक्सेंट हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, बात बन जाएगी, लोग बोलेंगे अरे यार इसको दे दे स्पाइडरमैन में एक रोल दे दे, तो क्या मेरे को रोल मिल जाएगा, उसको जा गोली मार स्पाइडरमैन मर गया देखते रहे हाथ। मैंने बोला वाह यू नो कितना मजा आएगा ये करने में। तो अंग्रेज ये फायदा उठाते हैं सर, हमारे देश में बाहर से लोग आते हैं, हाँ अंग्रेज दिखते हैं हिंदी नहीं बोलनी आती फिर भी उनसे हिंदी बोला के काम करते, मैं अंग्रेज दिखता हूँ और हिंदी बोलता हूँ क्यों नहीं, तो उनसे तो अच्छा है। और मोस्टली क्या है कि सर एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, एक्टिंग अंदर से आती है, तो मैं मानता हूँ कि जो मैं करता हूँ वो अंदर से निकलता है, और जहां भी मैंने काम किया आज तक उन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो वही चीज मुझे आगे बढ़ते रहने पे प्रेरित करती रहती है, ये देखिए कितनी सही हिंदी बोला प्रेरित। हाँ लेकिन जी आपकी हिंदी की बात करें तो किस तरह, मतलब आपका विकास वर्मा नहीं लेकिन आपकी जो